एग्जाम्स में तुम कितना पढ़ के जाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने एग्जाम में आंसर्स को कैसे लिख कर आते हो। जो पूछा गया है वही लिखे, और वही का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। The first impression is last impression. बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कम पढ़ के जाते हैं बट फिर भी एग्जाम्स के अंदर मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे ले आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें एग्जाम्स में आंसर लिखने के कुछ सीक्रेट टेक्निक्स और कुछ सीक्रेट मेथड्स के बारे में पता है। ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो ना स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर ये टेक्निक और मेथड्स आपने जान लिए ना तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो है हाउ टू राइट एग्जाम्स लाइक अ टॉपर। देखो, बोर्ड एग्जाम्स आ चुके हैं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ रहे हैं, बहुत सारे स्कूल लेवल एग्जाम आ रहे हैं। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई टीचर्स से बात करी जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपीज को चेक करते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, और उन सबसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली। और एक इन्फॉर्मेशन जिसने मुझे शॉक कर दिया, वो इन्फॉर्मेशन पता है क्या थी? कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि एक स्टूडेंट एग्जाम के अंदर कितना पढ़ के आ रहा है, बट फर्क इस बात से पड़ रहा है कि वो एग्जाम के अंदर अपने आंसर्स को लिखकर कैसे आता है। अगर आपको आंसर लिखने का सही तरीका आ गया ना, तो आपके 5 से 10 नंबर तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले कई सारे स्टूडेंट से भी बात करी और मैंने उन सभी की प्रॉब्लम्स को यहां पर लिखा। प्रॉब्लम्स क्या है? पहली प्रॉब्लम है स्पीड स्लो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आंसर्स को जब लिखते हैं तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है, जिससे कि उनका पेपर छूट जाता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? बैड राइटिंग। सबसे बड़ी समस्या हर एक स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होता है, क्या अगर मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा बेकार है तो क्या मेरे एग्जाम में नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे? बहुत बड़ा सवाल। उसके अलावा अगली प्रॉब्लम है कट्स इन द आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना आंसर को से कट कर देते हैं बीच बीच में से, क्या उसके भी नंबर कटते हैं? और लास्ट प्रॉब्लम है आंसर्स एग्जाम के अंदर याद नहीं आते, है ना, तो उसका क्या सलूशन है? अगर आप भी ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो तो अभी वीडियो को पॉज करके पहले यस लिख देना, अगर फेस नहीं करते वीडियो को पॉज करके नो लिख देना, ठीक है। अब ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैंने एक एक करके आपके जो बोर्ड एग्जाम में टीचर्स चेक करते हैं ना कॉपी, उन सबसे पूछी। तो जो पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना बैड राइटिंग, सबसे पहले मैंने ये पूछा क्या बैड राइटिंग से फर्क पड़ता है? तो तुम शॉक हो जाओगे आंसर जान के, क्योंकि हर एक टीचर ने बोला कि राइटिंग से फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो राइटिंग रीडेबल है, पढ़ी जा सकती है। अगर आपकी राइटिंग इतनी बेकार है कि उसे कोई पढ़ ही नहीं सकता तो हाँ फर्क पड़ता है, तो हाँ नंबर कटेंगे। बट अगर आपकी राइटिंग रीडेबल है, टेंशन फ्री रहो, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और अगर आपको अपनी राइटिंग को सही बनाना है तो इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिससे कि आप 10 दिन के अंदर अपनी राइटिंग को सही कर सकते हो, ठीक है। अब अगला सवाल मैंने उन टीचर से ये पूछा कि ये बताओ, ठीक है राइटिंग से फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क किस बात से पड़ता है? नंबर किस चीज पे डिपेंड करते हैं? तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दिया और वही एग्जांपल मैं आज आप सभी के सामने लेकर आया हूं। इमेजिन करते हैं दो स्टूडेंट है, उन दोनों स्टूडेंट की आंसर कॉपी मेरे पास है, ठीक है। एक स्टूडेंट है राम, एक स्टूडेंट है श्याम। अब देखते हैं राम की कॉपी। सबसे पहले राम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो सीक्वेंस में अटेम्प्ट करता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे। राम क्या कर रहा है? क्वेश्चंस को सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर रहा है। जबकि अगर आप श्याम की नोटबुक देखो तो आप देखो ये सीक्वेंस में अटेम्प्ट नहीं कर रहा, पहले इसने तीसरा क्वेश्चन किया, फिर दूसरा करा, फिर पहला करा, ऐसे इसने अलग सीक्वेंस में अटेम्प्ट करा। अब जब इन दोनों की कॉपीज चेक होके आई ना, तो राम के बहुत ज्यादा नंबर थे और श्याम के बहुत कम नंबर थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक टीचर आपके नंबर पता है कहां काट सकता है? जब आप अपने आंसर्स को सही सीक्वेंस में नहीं लिख कर आते। और यही है हमारा पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन सीक्वेंस। देखो इमेजिन करो, एक टीचर के पास दिन में बहुत सारी कॉपीज है चेक करने के लिए, ठीक है। अब आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की उन्हें कॉपी चेक करनी है। अब होता क्या है ना कि वो जब वो कॉपीज को चेक करते हैं ना, और अगर कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर्स को सीक्वेंस में लिख रखा है, जैसे कि पहले पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेंडमली लगा रखा है, पहले तीसरा सवाल कर लिया, फिर दसवां सवाल कर लिया, फिर पहला सवाल कर लिया, ऐसे। तो होता क्या है ना, एक टीचर जब ऐसे कॉपीज को चेक करते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आती है, और जब उन्हें प्रॉब्लम आती है तो उनको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। और इस जगह पर आपके नंबर बिल्कुल कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं, जबकि इस जगह में आपके नंबर नहीं कटने वाले। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल पूछेंगे, इमेजिन करो अगर मुझे पहला सवाल आता था बट मुझे दूसरा सवाल नहीं आता था, तीसरा सवाल नहीं आता था, अब मैं क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं है, उस केस के अंदर आप डायरेक्टली चौथे सवाल के ऊपर बढ़ सकते हो। बट ये जो दूसरे और तीसरे सवाल है ना, इनको लास्ट में अटेम्प्ट कर देना, ठीक है, इनको लास्ट में कर देना। बट ऐसे मत करना कि पहले कोई भी सवाल उठा रहे हो और वो कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे नहीं। एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, अगर ये करोगे देखना टीचर आपसे इंप्रेस होगा। और एक लाइन दिमाग के अंदर याद कर लो, लाइन ये है,
कि एक टीचर जितना कम समय आपकी नोटबुक को चेक करने में लगाएगा उतने ज्यादा आपके नंबर आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरा सवाल था स्लो स्पीड और कट्स इन द आंसर। बहुत बार होता है ना कि आंसर ही हमारे छूट जाते हैं क्योंकि हमारी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है ना, तो इसका क्या सोल्यूशन है? अब इसका एक ऐसा बेहतरीन सोल्यूशन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, एक ऐसा सोल्यूशन जो कि मैं पिछले 2 साल से बता रहा हूं और जिस जिसने फॉलो करा उसके नंबर ऑटोमेटिकली 5 से 10 इंक्रीज हुए हैं। देखो करना क्या होता है ना, जो आपके 4 या 5 नंबर वाले सवाल होते हैं जिनको हम लॉन्ग आंसर्स बोलते हैं, उसमें बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ा, जैसे इमेजिन करो एक क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, अब बच्चे क्या करते हैं आंसर लिखना शुरू करते हैं, आंसर लिखना शुरू करते हैं। अब बीच में क्या होता है कि आपको लगता है कि यार ये आंसर ना थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप क्या करते हो आंसर को पूरे को काट देते हो, अब वापस से लिखना शुरू करते हो ना, ऐसे करते हो ना, कितने स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, करते हो ना। इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है जिस वजह से आपका पेपर छूट जाता है। अब सोल्यूशन क्या है, देखो आपने देखा होगा आपकी जो आंसर शीट होती है उसकी जो लास्ट का पेज होता है वो रफ पेपर होता है। ठीक है, अगर आपको रफ पेज नहीं मिलता तो आप लिख सकते हो लास्ट पेज के ऊपर हेडिंग डालो रफ और उसके ऊपर आप कुछ भी लिखो, टीचर को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सुनो करना क्या है आपको, जैसे ही एक लॉन्ग आंसर आता है, जैसे कि इमेजिन करो एक सवाल आया प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बताओ, 5 नंबर का सवाल आया, अब आपको क्या करना है, लास्ट में जाना है नोटबुक के रफ साइड में, और आपको क्या करना है वो जो 5 पॉइंट आप सोच रहे हो ना उनको शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो। जैसे कि पहला पॉइंट है कि मेटल्स आर हार्ड, तो बस यहां पर हार्ड लिख लिया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिख लिया, तीसरा पॉइंट लिख लिया, ऐसे ऐसे लिख लो लास्ट पेज के ऊपर जल्दी जल्दी, सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब इससे क्या हुआ, अब आपको पता है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। अब जब आप मेन कॉपी में जाओगे आंसर्स को लिखने के लिए तो आपको सोचना नहीं है, अब आपको वापस नहीं सोचना कि यार पहला पॉइंट कौन सा बनाऊं, दूसरा कौन सा बनाऊं, तीसरा कौन सा, चौथा, ना 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 ना, पूरा आंसर आपके पास है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली बस आंसर को लिखना स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका जो सोचने का टाइम था वो बच गया है ना, अगर आपको एक आंसर को लिखने में 10 मिनट लगते थे इस मेथड से करोगे तो केवल 5 मिनट लगने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आप आंसर क्या लिखने वाले हो तो आप आंसर को आप कट नहीं करोगे है ना, वो कट्स वगैरह जो आप बीच में लगाते हो वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत शानदार सोल्यूशन है, अगर आपका पेपर छूटता है तो ये वाला सोल्यूशन बहुत शानदार है, इसको फॉलो करना अपने लॉन्ग आंसर्स के लिए, एक बार ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तीसरी प्रॉब्लम है आंसर याद ही नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो गया ना कि एक आंसर आपको याद नहीं आ पा रहा है, फिर कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, उसके लिए क्या करते हो, छोड़ देते हो ना, बट अब से नहीं छोड़ना है। देखो एक टॉपर और एक एवरेज के बीच में पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, एक टॉपर जो है ना वो जिस आंसर को उसको नहीं आता ना उस आंसर को भी अटेम्प्ट करके आता है, जबकि एक एवरेज बच्चा आंसर को छोड़ के आता है। अब आपको क्या करना है, आंसर्स को छोड़ के नहीं आ रहा है, इमेजिन करो कोई आंसर जो आपको नहीं आता, देखो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। पहला स्टेप है रिकॉल द चैप्टर, जैसे एक सवाल आए सबसे पहले सोचना कौन से चैप्टर का है यार, अच्छा ये तो उस चैप्टर का है मेटल एंड नॉन मेटल का है, उसके बाद क्या करना है आपको टॉपिक को रिकॉल करना है, अच्छा ये उस टॉपिक का है, अब उस टॉपिक की जो भी इंफॉर्मेशन आपको याद है ना उसको लिखकर आ जाओ पैराग्राफ की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में। अब पता है टेक्निक मैंने क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे मैंने टीचर से बात करी और रियलिटी है ना जो आप पैराग्राफ के अंदर आंसर लिख के आते हैं ना तो टीचर्स इतने बड़े पैराग्राफ को नहीं पढ़ते, ऑनेस्टली बता रहा हूं 99% केस के अंदर तो यही होता है, बड़े बड़े पैराग्राफ को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, अब उससे क्या होगा, अगर आपका आंसर थोड़ा बहुत गलत भी होगा ना तो पैराग्राफ की वजह से वो आंसर छुप जाएगा, और अगर 5 नंबर का सवाल है ना तो 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, बट जबकि अगर आप पॉइंट्स में आंसर को लिखकर आते जो आंसर आपको नहीं आता तो उसमें क्या होगा, टीचर पकड़ लेगा कि अच्छा इसको तो आंसर नहीं आता और वो आपका पूरा कट कर देगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है बिल्कुल तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखना है, इस सीक्वेंस से लिखना है, 4th स्ट्रेटजी अंडरलाइन कीवर्ड, ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है ना कि जब हम एक आंसर को लिखते हैं ना, अगर हम उस आंसर को बहुत ज्यादा सुंदर बनाएंगे ना, जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी जो दिखता है वो बिकता है, किस किसने लाइन सुनी है, जो दिखता है वो बिकता है, उसी प्रकार से अगर आप अपने आंसर को थोड़ा सुंदर बनाओगे ना तो नंबर मिलते हैं। अब यहां पर मैं ये बात नहीं कर रहा कि एक रेड पेन ले लिया, ब्लू पेन ले लिया, पिंक पेन ले लिया, वो सब नहीं करना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कि इमेजिन करो ये आंसर है यूजेस ऑफ नॉन मेटल, देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर कीवर्ड्स को मार्क कर लूंगा। जैसे पहला पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, मैं क्या करूंगा, मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड को मार्क कर लूंगा, जैसे कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यह है इंपॉर्टेंट कीवर्ड। सिमिलरली दूसरे पॉइंट को पढ़ो, क्या है दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हर पॉइंट में से मार्क कर लो। इससे क्या हो रहा है, देखो जब एक एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करते हैं तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली अंडरलाइन वर्ड्स को देखेंगे, अब आपका वो आंसर पूरा नहीं पढ़ेंगे, वो देखेंगे अच्छा ये वाला वर्ड लिखा हुआ है ठीक है, ये लिखा हुआ है ठीक है, ये लिखा हुआ है ठीक है, ये लिखा हुआ है ठीक है, और पूरे के पूरे 5 नंबर दिए आगे बढ़ गए। एक लाइन मैंने शुरू में बोली थी, एक एग्जामिनर जितना कम समय आपकी नोटबुक में लगाएगा उतने ज्यादा आपके नंबर आएंगे, है ना।
अब समझ पा रहे हो मैंने ये लाइन क्यों बोली थी? इस वजह से। ये करने कब है? ये तब करना जब आपका पेपर खत्म हो जाए, उसके बाद इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लेना पेंसिल की मदद से, बस। ठीक है, ये थी हमारी फोर्थ स्ट्रेटेजी। अब बढ़ते हैं आखिरी स्ट्रेटेजी की तरफ, जो की है पेपर प्रेजेंटेशन टिप। अब अगले 4 से 5 मिनट के अंदर मैं आपको पूरी पेपर प्रेजेंटेशन टिप समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अगर ऐसे अटेम्प्ट करोगे अपने पेपर्स को तो मजा आ जाएगा। पहली टिप क्या है? डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स। पहली चीज देखो, इंस्टाग्राम की तुम दुनिया में जी रहे हो, बिकॉज को भी तुम BCZ लिखते हो, है ना। हमने बहुत सारी छोटी फॉर्म्स बना रखी है, शॉर्ट फॉर्म्स बना रखी है ना। हम दोस्तों को बुलाते हैं गुड नाइट को हम GN लिखते हैं, है ना, गुड मॉर्निंग को GM लिखते हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म्स को नहीं लिख के आना, है ना। गलती से भी मत लिख के आना, अगर लिख दिया ना हो गया बस तुम्हारा एग्जाम। अगला देखते हैं कटिंग। अगर इमेजिन करो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक आंसर शीट भी आपको दिखाता हूँ, ये आंसर शीट आप देखो तो हो क्या रहा है ना, इस स्टूडेंट ने भी कटिंग करी हुई है, बट इसने कटिंग कैसे करी? देखो यहाँ पर देखो, एक स्मॉल कट लगा दिया, एक स्मॉल कट लगा दिया। ऐसे नहीं काटते, तुम कैसे काटते हो? तुम काटते हो ऐसे, 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 ऐसे नहीं काटना होता। एक स्मॉल कट लगा दो पेंसिल से, बस। उससे क्या होता है, आपका आंसर नीट एंड क्लीन दिखता है। मैंने बोल रहा हूं, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगली हमारी स्ट्रेटेजी है क्या? न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी। ये हमारी जो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स है ना, उसी का एक पार्ट है न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी। अब देखो, बहुत बार क्या होता है, आप न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करते हो, उसमें दो चीजों को आपको याद रखना है। पहली चीज है यूनिट्स और दूसरा है फाइनल आंसर को बॉक्स में लिखना है। समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ। देखो, ये एक आंसर शीट की कॉपी है। अब देखना इस आंसर शीट के अंदर, बड़े ध्यान से देखना बेटा, यहां पर क्या करा है कि जो फाइनल आंसर है, देखो इसको कैसे बॉक्स के अंदर रखा है। अब इससे क्या होगा, जब एक टीचर आपकी कॉपी को चेक करेगा और वो देखेगा, अच्छा बॉक्स के अंदर, अच्छा आंसर सही है, ठीक है, टिक करा, 2 नंबर दिए, आगे बढ़ गए, वो पूरी आपकी कैलकुलेशन देखने भी नहीं वाले, ठीक है। तो अगर आप फाइनल आंसर को ऐसे बॉक्स में रखते हो ना, तो टीचर डायरेक्टली आंसर देखेगा, आगे बढ़ जाएगा, नंबर नहीं कटते, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरी चीज क्या है, यहां पर आप देख रहे होगे 6 एम्पियर लिखा है। एम्पियर क्या है? यूनिट, यूनिट। जैसे कि अगर आपका कोई आंसर है 10, तो उसको पूरा लिखना 10 मीटर 10 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे ना जल्दी जल्दीबाजी में क्या करते हैं, यूनिट भूल जाते हैं। बेटा यूनिट भूल गए तो पता क्या होगा, तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे। यहाँ पर नंबर कटते हैं, हर एक टीचर ने बोला है कि ये लिखकर आना है। आई होप ये चीजें आपकी मदद दे रही होंगी। अब फाइनल स्ट्रेटेजी के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में क्या करना है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, डिफरेंस के कुछ सवाल आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में आती है ना डिफरेंस के। अब उन डिफरेंस के क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ आपको करना क्या है। देखो ये है आपका पहला डिफरेंस, देखो ये पहला डिफरेंस आपने लिखा, और उसके बाद है सेकंड डिफरेंस जो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच में एक लाइन का गैप है, वन लाइनर गैप है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो अब आप देख रहे हो तो आंसर कितना सुंदर लग रहा है ना, देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, और तुम क्या करते हो, तुम बिना लाइन छोड़े यहीं से ही सेकंड पॉइंट डाल के लिखना शुरू कर देते हो। उससे क्या होता है, आपका आंसर उतना अच्छा नहीं दिख पाता, ठीक है। और जब आंसर अच्छा नहीं दिखता, टीचर को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। हमें क्या करना है, हमें टीचर के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालना। उससे पता है क्या फायदा होगा, अगर आप ये सारी पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स को फॉलो करोगे ना, इससे फायदा होगा, अगर आपका कोई आंसर थोड़ा बहुत गलत भी है ना, तो टीचर वहां नंबर नहीं काटते। और ये रियलिटी है, मैं बहुत सारे टीचर से बात करता हूँ, वो बोलते हैं अगर एक स्टूडेंट ने मेहनत से आंसर लिखे है ना सारे, उन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन को अच्छी तरीके से रखा है, तो कभी कभार कुछ रॉन्ग आंसर्स को भी हम टिक कर देते हैं, मतलब आधे एक नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे डिफरेंस में आपने देख लिया, एक गैप आपको छोड़ के चलना है। इससे आपकी सारी की सारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्लियर हो चुकी है, कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, सब कुछ बता दिया है। एक चीज याद रखना, इनको अपने बोर्ड एग्जाम, स्कूल लेवल एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फॉलो करो, बहुत ज्यादा मदद होगी, 5 से 10 नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, ताकि उसकी भी मदद हो पाए, या फिर अपने क्लास ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।